प्रभजोत बोली कि अंगद को ट्यूशन देना चाहिए कि अच्छा पति कैसे बने। दोस्तों, आप देखेंगे तेरी मेरी डोरा के अंदर कि जो प्रभजोत है, यानी कि आप देखते हैं कि जो अंगद की बुआही है झोटी वाली, जसरी ने छोटी जो है, तो वो देखते हैं कि वो कहती है कि जो अंगद ना इतना कुछ कर रहा होता है साहिबा के लिए। तो गाइस, आप देखते हैं कि उसके लिए पूरी तरह से दोबारा डोली बनाई है प्रॉपर अपने रूम में ले जाने के लिए, तो मतलब इतना अच्छा फील कराता है साहिबा को, ऐसा सबको लग रहा है। तो इस बात पर प्रभजोत बोलती है अपने ही पति, खास करके वो अपने पति हंसराज को सुनाने के लिए बोलती है कि अंगद को एक तरह से ट्यूशन लेना चाहिए और सब्जेक्ट पता है क्या होगा कि अच्छा पति कैसे बने। तो ये सब होता है तो हंसराज बोलता है तो अगर ऐसी बात है तो फिर उस ट्यूशन में कौन जाएगा। तो उसी की पत्नी प्रभजोत बोलती है कि मुझे बाकी सबको तो पता नहीं, पर तुम्हें तो ज़रूर जाना चाहिए उस कोचिंग क्लास में। ऐसा ऐसी बातें होती हैं, वे हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तभी इन सब के बाद आप देखते हैं कि अंगद बोलता है जो भी वहाँ पर उसके 3-4 बंदे होते हैं कि भाई आओ और ये डोली को उठाओ। तो वे लोग आते हैं पर उन्हें वीर रास्ते में रोक देता है, बोलता है कि एक मिनट रुको, ऐसा नहीं होगा कि हमारी बाबी की डोली उठ रही है तो ये ऐसा थोड़ी ना होगा, ये हम अपनी बाबी को नाच गाने से लेकर के जाएंगे। तो वीर ऐसा होता है, फिर वीर वहाँ पर आता है, ढोल वगैरह बजते हैं, फिर वीर जो है अपनी बाबी बोली लगाता है जो पंजाबियों का कल्चर होता है, पंजाबियों में गाइस बोली वगैरह लगाते हैं कि भंगड़ा ता सजदा इस टाइप से। तो आप देखते हैं कि बोली लगाता है और सब साथ में हंसराज, वीर और अंगद सब साथ में नाचते गाते साहिबा को वहाँ पर डोली उठाते हैं।